पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। सियासत में तस्वीरों वाला संदेश बहुत मायने रखता है, ये साथियों के लिए भी होता है, विरोधियों के लिए भी। मौके के हिसाब से इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने भी संसद सत्र के पहले दिन कुछ ऐसा ही किया है। पहले तो अखिलेश यादव की ये धमाकेदार एंट्री देखिए, पूरे 37 सांसदों का बाहुबल जो साथ है। लेकिन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो असली माजरा समझ पाएंगे। चाचा राम गोपाल भी हैं, पत्नी डिंपल भी हैं, भाई धर्मेंद्र भी हैं, लेकिन अखिलेश ने देखिए किन का हाथ पकड़ रखा है। ये राम की नगरी अयोध्या के फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद हैं, जिनका हाथ पकड़कर अखिलेश संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव के एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में राम की नगरी अयोध्या यानी फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ है। तस्वीरों में संदेश ये छुपा है कि राम हमारे साथ हैं और हम संविधान के साथ, क्योंकि बीजेपी के प्रचार गीतों में ये गूंजता रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या वालों ने बाजी पलट दी है, अखिलेश बीजेपी को यही बताना और जताना चाह रहे हैं। अब जरा संसद के अंदर का भी नजारा देख लीजिए। सत्ता पक्ष की पहली पंक्ति में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे हैं, उनके ठीक सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। लेकिन यहां भी अखिलेश यादव ने अपने साथ अवधेश प्रसाद को बिठा रखा है, ताकि बीजेपी वालों को बार बार याद दिला दें कि अयोध्या में उन्हें हार मिली है और सपा को जीत। पीएम मोदी जब शपथ लेने आए और लौटे तब भी उनकी नजर अवधेश प्रसाद पर पड़ी होगी। अमित शाह जब शपथ लेने आए उनकी भी नजर अखिलेश के करीब में बैठे अवधेश प्रसाद पर जरूर गई होगी। राजनाथ सिंह ने भी जरूर देखा होगा और अखिलेश यादव शायद दिखाना भी यही चाह रहे थे। सियासी पंडितों का मानना है कि इसके जरिए यूपी के दो लड़कों ने बीजेपी को उसकी यूपी में मिली करारी हार का एहसास कराना चाह रहे थे, क्योंकि यूपी में जिस मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर थी जनता ने उसे ही नकार दिया। यूपी में इस बार अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। दोनों ने गठबंधन करके बीजेपी को सिर्फ 37 सीटों पर सिमटा दिया, यहां तक कि अयोध्या सीट भी बीजेपी से छीन ली।